हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सोयाबीन करी बनाने की बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी। आप इस तरह सोयाबीन करी बनाएंगे तो यकीन माने ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा कि आप बार बार इसी तरह सोयाबीन करी बनाना पसंद करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन करी बनाने के लिए सबसे पहले सोयाबीन को बॉयल कर लेंगे। तो एक कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे हमें गर्म कर लेना है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें 1.5 कप सोयाबीन डालेंगे और साथ में ही इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। मिला लेने के बाद ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक सोयाबीन को बॉयल कर लेंगे। 3 मिनट तक सोयाबीन को यहाँ पर मैंने बॉयल कर लिया है और देखिए सोयाबीन अच्छी तरह से फूल गया है। साइज में भी ये डबल हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब सारे सोयाबीन को छानकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद ना इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और कढ़ाई को साफ करके फिर से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें बारीक कटा हुआ 3 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे और साथ में ही इसमें 10 से 15 लहसुन की कलियां डालेंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिलाकर 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। तो 3 मिनट तक यहाँ पे देखिए प्याज को मैंने भून लिया है। प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे निकाल लेंगे और निकाल लेने के बाद ना इसे भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ पे सोयाबीन भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें से एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिचोड़ते हुए एक्स्ट्रा पानी को निकाल लें। तो ज़्यादा ज़ोर से न मिचोड़े वरना क्या होगा कि सोयाबीन टूट जाएगा। इस तरह से सारे सोयाबीन में से पानी को निकाल लेने के बाद ना इसे अब हमें फ्राई करना है। सोयाबीन फ्राई करने के लिए कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल डालने के बाद तेल को गर्म कर लेना है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें सोयाबीन को डाल देंगे। सोयाबीन डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। मिला लेने के बाद लगातार चलाते हुए सोयाबीन को भून लेंगे। इससे क्या होगा ना कि सोयाबीन का कच्चापन चला जाएगा और कलर भी बढ़िया आएगा। तो लगातार चलाते हुए सोयाबीन को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। 4 मिनट तक सोयाबीन को भून लेने के बाद इन सभी को बाहर एक बॉल में निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद इसे हल्का ठंडा हो जाने के लिए रख देंगे। सोयाबीन जब ठंडा हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच चिल्ली रेड मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसमें कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे सब्जी का कलर बढ़िया आएगा। 1/2 चम्मच जीरा मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे सब्जी मसाला और साथ में ही इसमें 3 से 4 चम्मच ताजी दही डालेंगे। खट्टा दही का इस्तेमाल ना करें वरना क्या होगा कि सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। इन सभी को अच्छी तरह से सोयाबीन में मिला लेना है ताकि सारा मसाला का फ्लेवर सोयाबीन में आ जाए। सारे मसाले को सोयाबीन में अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे हमें ढक देना है और ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये रेस्ट हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल में प्याज और लहसुन डाल देंगे और साथ में ही इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे पीसकर पेस्ट बना लेना है। तो इस तरह से प्याज लहसुन को पीसकर पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लेने के बाद इसे साइड में रख देंगे और गैस पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देंगे। कढ़ाई जब गर्म हो जाएगा तो इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे 3 सूखा हुआ रेड मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा,
एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जावित्री, एक बड़ी इलायची, दो से तीन लौंग डालेंगे, दो छोटी इलायची, दो तेज पत्ता। इन सभी को डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाकर 10 से 15 सेकेंड के लिए भून लेंगे। जब खड़ा मसाला चटक जाएगा तो इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। मिला लेने के बाद 3 से 4 मिनट तक इसे भून लेंगे। 4 मिनट तक भून लेने के बाद अच्छी तरह से मिला लेना है। मिला लेने के बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ सोयाबीन डाल देंगे और साथ में ही इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए भूने 5 मिनट तक भून लेने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेना है। मिला लेने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे, या आप तब तक भूने जब तक कि मसाले में से तेल बाहर ना आ जाए। और यहाँ पर देखिए मसाला और सोयाबीन अच्छी तरह से भुना गया है। तो अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो यहाँ पे ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, वरना सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो पानी को हल्का गर्म करके डालें। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी के लिए 1.5 कप पानी लिया है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डालें। आपको जितना ग्रेवी पसंद हो उस अनुसार इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। मिला लेने के बाद इसे हमें ढक देना है और ढककर 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। धनिया पत्ता की जगह आप कस्तूरी मेथी भी ले सकते हैं। धनिया पत्ता को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसे गर्मा गर्म चावल, रोटी, पराठा, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करेंगे ना, तो यकीन माने ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से सोयाबीन करी बनाकर ट्राई करें। और आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।